गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक में लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती व्याख्यान में अपन ने लॉक के मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन किया था। लॉक यह मानकर चलते हैं कि मानव का स्वभाव बहुत अच्छा था, वो एक सीधा साधा आराम से जीवन व्यतीत करने वाला प्राणी था और उसी अच्छे स्वभाव के कारण उसकी जो प्राकृतिक अवस्था थी वह प्राकृतिक अवस्था भी श्रेष्ठ अवस्था थी। यानी जो प्राकृतिक अवस्था थी वह स्वतंत्रता, समानता और निष्कपटता की दशा थी, लेकिन इस प्राकृतिक अवस्था में कुछ कमियां थीं जिसके कारण अस्पष्टता और अनिश्चितता का वातावरण था और उन असुविधाओं से बचने के लिए व्यक्ति को समझौता करना पड़ा। तीन असुविधाएं लॉक को प्राकृतिक अवस्था में नज़र आईं और वो यह थी कि प्राकृतिक कानूनों की स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, इसकी परिभाषा करने वाला कोई अधिकारी नहीं था, कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जो प्रभावशाली ढंग से इन प्राकृतिक कानूनों को लागू कर सके। यानी व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में रह रहा था जो प्राकृतिक नियम तो थे लेकिन उनको लागू करने वाला कोई नहीं था और उनके आधार पर न्याय करने वाला कोई नहीं था। तो इन असुविधाओं का अंत करने के लिए, अनिश्चितता और गड़बड़ी को रोकने के लिए, नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने के लिए लोगों को यह आवश्यकता महसूस हुई कि एक ऐसी शासन सत्ता का निर्माण किया जाए जो शासन सत्ता राज्य को व्यवस्थित बना सके। तो इस असुविधाओं से या इन असुविधाओं से बचने के लिए व्यक्ति के द्वारा एक समझौता किया गया और जिस समझौते से राज्य का निर्माण हुआ। इस समझौते का उद्देश्य था जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की आंतरिक तथा बाह्य संकटों से रक्षा करना। यानी कोई भी व्यक्ति का जीवन उससे छीनना चाहे, व्यक्ति की स्वतंत्रता उससे छीनना चाहे, उसकी संपत्ति उससे छीनना चाहे, तो उन्हें नियंत्रित करना इस संप्रभु का कार्य था। लॉक का संप्रभु समझौते का पक्ष था, परिणाम नहीं था। संप्रभु सीमित शक्तियों का ही उपयोग करता है, यानी कि वह प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करता है, उन्हें क्रियान्वित करता है और जो लोग भी प्राकृतिक कानूनों की उल्लंघना करते हैं उन्हें दंड देता है। लॉक यह मानकर चलते हैं कि यदि व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों का बलिदान भी कर देता है तो भी जब वो राज्य का सदस्य बन जाता है तो उन अधिकारों को वह पुनः प्राप्त कर लेता है। लॉक यह मानकर चलते हैं कि व्यक्ति अपने कार्य की स्वतंत्रता पर किसी तरह की बाधा को स्वीकार नहीं करता है और ऐसी स्थिति में वह अतिक्रमण से बचने के लिए यह चाहता है कि जो भी सत्ता हो वह उसके अधिकारों की रक्षा करे। लॉक ये मानते हैं कि समझौते में प्राकृतिक अधिकार समाज में बने रहते हैं और व्यक्ति प्राकृतिक कानूनों के अधीन हो जाता है। लॉक का यह सामाजिक समझौता व्यक्ति की सहमति पर आधारित है। यह सहमति निश्चित और मौन होनी चाहिए, बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है लॉक के समझौते की विशेषताएं। पहली विशेषता है लॉक के सामाजिक समझौते में व्यक्ति अपने अधिकारों का परित्याग नहीं करते हैं बल्कि ये अधिकार समाज का सदस्य या राज्य का सदस्य बनने के बाद उसे पुनः प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा है अधिकार व्यक्ति को न दिए जाकर संपूर्ण समुदाय में निहित होते हैं। तीसरा है समझौते से जिस राज्य की उत्पत्ति हुई है वह स्वेच्छाचारी नहीं है अपितु दोहरे नियंत्रण से मुक्त है। एक ओर तो व्यक्ति अपने पास जो अधिकार रखता है वे मानव व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करते हैं और दूसरे जो प्राकृतिक कानून हैं, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने वाला जो राज्य है वह भी उन अधिकारों को नियंत्रित करता है। यानी कि एक तो व्यक्ति के खुद के अधिकार उसे नियंत्रित करते हैं और दूसरा राज्य भी उन अधिकारों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट विशेषता है लॉक का यह समझौता सर्वसम्मति से हुआ है, यानी कि सबकी सहमति इस समझौते पर
है। नेक्स्ट है, राज्य की सदस्यता आने वाली पीढ़ी पर थोपी नहीं जाएगी, अपितु इस बात की उसे स्वतंत्रता होगी कि वह इसे मान्य करे या ना करे। लेकिन यहाँ दूसरी बात लॉक यह कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद ऑटोमेटिक वो राज्य का सदस्य बन जाता है, क्योंकि राज्य से होने वाले फायदा जन्म लेते ही उसे मिल जाते हैं। इसीलिए वह अपने आप को समझौते से अलग नहीं करेगा, यानी जब एक बार समझौता हो जाता है तो उसे पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है, यानी यह समझौता कभी भी रद्द नहीं हो सकता। सरकार बदल सकती है लेकिन सरकार के नष्ट होने से समझौता नहीं बदलता। नेक्स्ट है, नागरिक समाज की स्थापना होने के बाद सब कुछ प्राकृतिक कानून के अधीन हो जाता है, यानी जो कुछ भी है वह सब कुछ प्राकृतिक कानून के अधीन हो जाता है और उसी हिसाब से व्यक्ति के द्वारा प्रमुख रूप से कार्य किया जाता है। और एक तरह से वो यह मानकर चलते हैं कि समझौते से जो राज्य बनता है वह राज्य व्यक्ति के हित की दृष्टि से कार्य करता है। नेक्स्ट है, सरकार के कार्य और उसकी सीमाएं। लॉक का सामाजिक समझौता दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है, उसने राजा को महिमा से वंचित किया है और वह यह मानकर चलता है कि जो राजा है या जो शासक है वह सामान्य कल्याण के लिए कार्य करता है। लॉक का एक कथन है जिसमें लॉक कहते हैं, राज्य लोगों के लिए है, लोग राज्य के लिए नहीं है। शासन का उद्देश्य समुदाय की अच्छाई है, यानी कि राज्य को वह एक कृत्रिम संस्था मानता है जिसका निर्माण व्यक्ति ने अपनी अच्छाई के लिए किया है। लॉक अपने शासन के द्वितीय निबंध में लिखते हैं कि मानव के राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को शासन के अधीन करने का प्रधान उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। यह संपत्ति का तात्पर्य केवल भौतिक संपत्ति से नहीं है अपितु जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा है, यानी लॉक यह मानकर चलते हैं कि राज्य के अधीन मानव ने अपने आप को इसलिए किया है जिससे कि वह प्रमुख रूप से अपने आप को, अपनी स्वतंत्रता, अपनी संपत्ति, अपने जीवन को सुरक्षित रख सके। लॉक ने शासन के प्रमुख तीन कार्य बताए हैं। पहला है विधायी कार्य, यानी कानूनों का निर्माण करना राज्य का मुख्य कार्य है और वो जो भी कानून बनाता है वह प्राकृतिक कानून के अनुसार ही बनाएगा। दूसरा है कार्यपालिका संबंधी कार्य, कानूनों को कार्यान्वित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना, युद्ध और शांति स्थापित करने के लिए व्यवस्था करना राज्य का कार्य है। न्यायिक कार्य, न्यायिक कार्यों के अंतर्गत वो कहते हैं कि नागरिकों के विवादों का निपटारा करना, न्याय व्यवस्था करना भी राज्य का कार्य है। इस तरह से शासन के ये मुख्य तीन कार्य हैं और वो यह कहते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं। इनको संपादित करने वाले व्यक्तियों में विभिन्न गुण और शक्तियों का होना अपेक्षित है, यानी जो कानून बनाएं उनमें भी गुण होने चाहिए, जो न्याय दें वो भी गुणवान होने चाहिए। उन्होंने कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के अधीन बनाया है और वो इस संबंध में कहते हैं, जिन व्यक्तियों के हाथ में विधि निर्माण की शक्ति होती है उनमें विधियों को क्रियान्वित करने की शक्ति अपने हाथ में ले लेने की प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि शक्ति प्राप्त करना ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। न्यायिक कार्य को वे कार्यपालन और व्यवस्थापन से अलग मानते हैं। उनका यह मानना है कि अगर न्याय देने वाला और कानून बनाने वाला एक होगा तो वह न्याय सही ढंग से नहीं दे पाएगा, तो इस संबंध में वो एक कार्य एक ही अंग को देना चाहते हैं और यहाँ उन्होंने एक तरह से शक्ति पृथक्करण को मान्यता दी है। सरकार के तीनों अंगों में वे व्यवस्थापिका को सबसे सर्वोच्च मानते हैं, पर उन्होंने व्यवस्थापिका की निरंकुशता का समर्थन नहीं किया है और वो कहते हैं कि व्यवस्थापिका के ऊपर जनता है, उसे भी मर्यादा के अधीन ही प्रमुख रूप से कार्य करना चाहिए और इसके लिए ही समाज की रचना होती है। इससे स्पष्ट है कि लॉक कभी भी और किसी भी परिस्थिति में एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करते हैं जिसे हम निरंकुश शासन कहें, यानी कि निरंकुश शासन का प्रतिपादन उन्होंने नहीं किया है। नेक्स्ट है लॉक के राज्य की विशेषताएं। पहली विशेषता है, राज्य मानव कल्याण का साधन मात्र है, यानी लॉक यह मानते हैं
कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है, यानी उनका यह मानना है कि शासन का उद्देश्य समाज का कल्याण है, यह केवल व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता के हित की दृष्टि से अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट है राज्य का आधार जन सहमति, यानी लॉक यह मानकर चलते हैं कि राज्य के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका आधार जन सहमति है, यानी जनता राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करती है क्योंकि मुख्य रूप से जन सहमति पर आधारित है। राज्य की आज्ञाओं का पालन करना ही व्यक्ति का मुख्य दायित्व है। नेक्स्ट है सीमित शासन वाला राज्य, यानी लॉक ऐसे राज्य को मान्यता देता है जिसे सीमित शक्तियां प्राप्त हैं, उसका लक्ष्य लोक कल्याण करना है। सरकार की शक्ति पर सबसे बड़ी सीमा प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों की है। इस संबंध में लॉक कहते हैं प्रकृति की विधि के दायित्व समाज में समाप्त नहीं हो जाते, वरन अनेक विषयों में वह अधिक से अधिक निकट हो जाते हैं तथा मानवीय विधि के द्वारा उन्हें निश्चित दंड जोड़ दिए जाते हैं जिसके कारण लोग उसका पालन कर सकें। यानी जो शासक है उसके पास सीमित शक्तियां हैं। निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन, कार्यों की दृष्टि से वो यह मानकर चलते हैं कि राज्य का उद्देश्य नकारात्मक है क्योंकि राज्य केवल स्वतंत्रता को स्थापित करने का कार्य करता है, चरित्र को विकसित करने का कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है संवैधानिक राज्य, लोक का जो राज्य है वह संवैधानिक राज्य है, यानी एक ऐसा राज्य जहां विधि को लोक, कानून को लोक सर्वोच्च और सर्वोपरि मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार आरंभ हो जाता है। ये शक्तियां विधि के शासन की पूरक हैं। नेक्स्ट है राज्य व्यक्ति की संपत्ति का रक्षक होता है। लोक मानते हैं कि जो राज्य है वह व्यक्ति की संपत्ति का रक्षक है और सर्वोच्च सत्ता भी व्यक्ति से उसकी संपत्ति नहीं छीन सकती है। यानी लोग कहते हैं यह समझना गलत है कि किसी राज्य की विधायिका अथवा सर्वोच्च सत्ता प्रजा की संपत्ति के विषय में चाहे जो कर सकती है और जैसे चाहे वैसे प्रयोग में ला सकती है या अपनी इच्छा के अनुसार उसके किसी भी अंश को ले सकती है। यानी जो राज्य है वह व्यक्ति से उसकी संपत्ति का, उसके अधिकारों का अपहरण नहीं कर सकती। नेक्स्ट है राज्य की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियां पृथक पृथक होती हैं। अभी आपको बताया कि लॉक इस बात को मानते हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वह पृथक होता है, कार्यपालिका अलग है और व्यवस्थापिका अलग है। नेक्स्ट है राज्य के शासक को विवेक से भी कार्य करने का अधिकार होता है। ये बहुत बड़ी बात लॉक के द्वारा स्वीकार की गई है कि राज्य की जो सत्ता है वह विवेक से भी कार्य कर सकती है। जहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्ति अलग अलग हाथों में होती है वहाँ समाज के हित के लिए आवश्यक है कि बहुत सी बातें उस व्यक्ति के विवेक अधिकार पर छोड़ दी जाएं जिसके पास कार्य करने की शक्ति है। नेक्स्ट और लास्ट है राज्य की अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। लोग यह मानकर चलते हैं कि अंतिम शक्ति जो है वह जनता के पास है, जनता को अधिकार होता है कि अगर उसे लगे कि सरकार जनता के हित की दृष्टि से कार्य नहीं कर रही है या प्रजा की दृष्टिकोण से नहीं सोच पा रही है तो ऐसी स्थिति में जनता उस सरकार को हटा सकती है, यानी कि राज्य की अंतिम सत्ता जनता के पास है। तो इस तरह से लॉक एक सीमित और एक नियंत्रित राज्य की बात करते हैं। धन्यवाद।